धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कई क्षेत्रों में इस समय बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालात ये है कि दीदार नगर, शांति नगर, आजाद नगर, कीर्ति नगर, डीडी कॉलोनी, खेड़ी मारकंडा, सुधा कॉलोनी, गांव हंसाला, जोगनाखेड़ा, दबखेड़ी, मसाना, रामगढ़ व कई अन्य क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। नगर परिषद, जिला प्रशासन, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दल इन बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। उन्हें राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, पानी, दूध व अन्य खाद्य पदार्थ पहुंचा रहे हैं। इन सब में समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान द्वारा की जा रही मदद का ढंग काबिले तारीफ है। भारतीय नौजवान सभा के बैनर तले अशोक शर्मा ने जब भी कुरुक्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है, बाढ़ आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, कई कॉलोनियां जलमग्न हुई है, तब तब अशोक शर्मा पहलवान खुद पानी के अंदर जाकर लोगों के घरों तक उन्हें राहत सामग्री पहुँचाने पहुँचे हैं। कई वर्षों पहले भी जब बाढ़ आई और कई कॉलोनियां जलमग्न हुई तो समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान पूरी हिम्मत, जज्बे और समाज सेवा के भाव के साथ पानी के अंदर तक बिना किसी डर के अपनी जान जोखिम में डालकर चले गए दूसरों की मदद करने के लिए। आज कई वर्षों बाद एक बार फिर जब मानवता को मदद की आवश्यकता हुई तो अशोक शर्मा उसी जज्बे, हिम्मत, जोश और समाज सेवा के भाव के साथ 5 से 6 फुट गहरे पानी में लोगों के घरों में राहत सामग्री देते नजर आए। ये तस्वीरें इस बात की जीती जागती गवाह है कि बाढ़ के पानी में घूम रहे कीड़े मकोड़ों, सांपों की परवाह किए बगैर अशोक शर्मा पैदल पैदल 6 फुट गहरे पानी तक लोगों के घरों में जाकर उन्हें खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। अशोक शर्मा का कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम सबको एकजुट होकर मानवता की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए, तभी जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होगी। उन्होंने सभी से अपील की कि सभी बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे आए। जय श्री राम, जय गो माता। भारतीय नौजवान सभा की ओर से पहलवान कुरुक्षेत्र जी व अपने बंसल लाला जी सेवा करते हुए सहयोग कर रहे हैं, सभी लोगों का पानी दे रहे हैं, ब्रेड, दूध, सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं घर तक, अपनी जान तक की ना परवाह करते हुए। देखो ये अशोक पहलवान इतने ही अपनी जान बाढ़ के कारण, देखो 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 कैसे कैसे पानी में सेवा कर रहे हैं अशोक पहलवान जी। मैं उसकी पूरी कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले भाई ईमानदार आदमी है, लोगों की हेल्प करने वाले। भाई लोगों की हेल्प के लिए जहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता, तिर के जा रहे हैं। इतना पानी है जी। अच्छा, ऐसे महान आदमी को तो भाई हमें दिल से सलूट करना चाहिए। अशोक पहलवान कुरुक्षेत्र जी भारतीय नौजवान सभा की ओर से, देखियो भाई कैसे तिर के जा रहे हैं, तिर के जा रहे हैं भारतीय नौजवान सभा के अशोक पहलवान जी। देखियो पानी और ब्रेड लेके गए हैं सुविधा के लिए। ये देखो भाई पानी कितना कितना है, चारों तरफ समुंदर की तरह आ चुका है भाई। यार रहे हैं अशोक पहलवान जी तिर के वापस कर रहे हैं, अब लोगों को सामान दिया, ब्रेड, दूध हुआ, पानी की व्यवस्था पूरी कराई उनकी, और अब ठीक है ठीक चलो ठीक है मेरे भी। कोई नहीं कोई बात नहीं।
ले जाओ भाई, थोड़ा दूर हो भाई, थोड़ा ही ना ले भाई, थोड़ा ही ना जाओ भाई, बनी ले भाई। आप लोग नहीं निकले बाहर, निकले नहीं बाहर, ये लोगों को सारे निकल गए, ले उन ला पानी तो फिर फटागा ही, और ले भाई उड़ा दे एक बार का तो ये पन्ने तीन जने भैया। लोगों के लिए सुविधा देखो, जय श्री राम, जय गो माता की। अशोक पहलवान कुरुक्षेत्र टीम सुविधा के लिए ब्रांड है। ये भाई कुरुक्षेत्र में नरकातारी रोड, जिसके ऊपर देखो आप कितना पानी चढ़ा आया और लोग फंसे पड़े हैं घरों में। आज हमारी तरफ से नौजवान, भारतीय नौजवान सभा की तरफ से ये एक सामग्री है, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जो भाई आगे लेके चल रहे हैं। आज देखिए आप अशोक पहलवान कुरुक्षेत्र सेवा करते हुए अशोक पहलवान जी व अशोक पहलवान जी की पूरी टीम सेवा करने के लिए अशोक पहलवान कुरुक्षेत्र व इसकी पूरी टीम आज पानी के अंदर लोगों के सहयोग कर रहे हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं। बालक बालक के रहो, बालक का देखिए।